एक खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि तालिबान का अगला टारगेट पाकिस्तान का परमाणु हथियार होने जा रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से तालिबान ने अमेरिकी हथियारों को छीना है, अमेरिकी तोप और टैंकों पर कब्जा किया है, ठीक उसी प्रकार अब तालिबान की नज़र पाकिस्तान और उसके परमाणु हथियार पर टिकी है। पाकिस्तान की जेल में 9 साल गुजारने वाले मुल्ला अब्दुल गनी पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं और इसके लिए इमरान खान को कुर्बानी देनी पड़ेगी। पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, वो जो धार्मिक है और दूसरे वो लोग जो बहुमत में है और तालिबान के खिलाफ है। उन्होंने कहा, तालिबान को बधाई देने वालों में धार्मिक नेता शामिल है, जबकि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों और पाकिस्तानी आवामी की बड़ी संख्या इसके खिलाफ है। आज भी अफगानिस्तान के अंदर कई सारे ऐसे योद्धा मौजूद है जो पाकिस्तान के खून के प्यासे है। मौका मिलते ही वे सभी पाकिस्तान में बड़ा धमाका करने के लिए बेचैन है। अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने कई वर्षों तक अफगानी लोगों को लूटा है और इस बात की कसक हर तालिबानियों के दिल में है। तालिबान का एक बड़ा समूह यह मानता है कि पूरे पाकिस्तान पर भी तालिबान का राज होना चाहिए। तालिबान के लिए भी आगे की रास्ता इतना आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि आज भी अफगानिस्तान के अंदर ऐसे विद्रोही जिंदा है जिसका एकमात्र मकसद तालिबान को जड़ से उखाड़ फेंकना है। हर कोई जानता है कि अफगानिस्तान में एक विस्फोटक गृह युद्ध होने जा रहा है। तालिबान की टकराव वहाँ की वर्ल्ड लॉर्ड से होने वाली है। अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। काबुल पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। उसके साथ ही सरकार से जुड़े कई नेता और अधिकारियों के भी देश छोड़ने की खबरें आई। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से ही तालिबान सक्रिय हो गया था और उसने ढूंढ ढूंढ कर अपने विरोधियों को या तो मार दिया या नजरबंद कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अफगानिस्तान का वर्ल्ड लीडर्स कहा जाता है और जो तालिबान से खुलकर लड़ाई लड़ते हैं। उन्हें तालिबान अब तक पकड़ नहीं सका है। सिर्फ इस्माइल खान ही ऐसे हैं जिन्हें तालिबान पकड़ पाया है। पहला, अब्दुल रशीद दोस्तम। 67 साल के अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वो 2014 से 2020 तक इस पद पर रहे हैं। माना जाता है कि 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को गिराने में दोस्तम ने अमेरिकी सेना की काफी मदद की थी। दोस्तम का अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में दबदबा है। उन्हें मजर ये शरीफ का बुरा शेर भी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि वो इस वक्त उज्बेकिस्तान में है। आता मोहम्मद नूर। 1979 में जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो आता मोहम्मद नूर ने रूसी सेना के खिलाफ लोगों को तैयार किया। इसके बाद सोवियत के खिलाफ बने जमीयत ए इस्लामी के कमांडर बने। जब 1996 में तालिबान ने सत्ता संभाली तो उन्होंने अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया था। 57 साल के आता मोहम्मद नूर 2004 से जनवरी 2018 तक वखलब प्रांत के गवर्नर रहे हैं। अभी वखलब प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद से वे गायब है और माना जा रहा है कि ताजिकिस्तान के इलाके में चले गए हैं। अहमद मसूद। अहमद मसूद एंटी तालिबान नेता अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद शाह मसूद ने 1980 के दशक में सोवियत रूस की सेना का डटकर मुकाबला किया था। साथ ही जब तालिबान का राज शुरू हुआ तो उसके खिलाफ भी मोर्चा संभाला। अमरुल्ला सालेह अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति है। जब रविवार को काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया तो खबर आई कि अमरुल्ला ने राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ देश छोड़ दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वे देश में ही है। अब खबरें आ रही है कि अमरुल्ला सालेह पंजशीर में ही है। पंजशीर के नेता अहमद मसूद के साथ मीटिंग की एक तस्वीर भी शेयर हुई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सालेह और मसूद तालिबान से निपटने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस्माइल खान को हेरात का शेर कहा जाता है। वो हेरात के गवर्नर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन तालिबान ने उन्हें पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि तालिबान ने उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।